1460 में ये बनाई गई और तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 600 साल हो गए दिख रही है। ये नई कंस्ट्रक्ट की गई थी क्योंकि 1995 में जो है आग लग गई थी, जिस वजह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद नए से इसमें तामीर की गई। और सलाम अलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम फिर एक नए व्लॉग के साथ, उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग जो है पसंद आएगा। तो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अभी हमने डिसाइड किया है कि हम आज जाएंगे तारी शरीफ, क्योंकि वैसे भी आज फ्राइडे है तो हमने सोचा वहाँ पे आज नमाज भी पढ़ेंगे। जो तारी शरीफ है वो ऑलमोस्ट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और तारी शरीफ में ही आपको जो है शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की श्राइन भी मिलती है, जिस वजह से तार जो है काफ़ी फेमस है। अभी हम पहुँच चुके हैं करालपुरा। करालपुरा का मार्केट है। अभी कितना टाइम लगने वाला है हमें तार शरीफ तक? 1 घंटा। अभी हम चाड़ौरा पहुंच चुके हैं। ये देखो आप मेन चाड़ौरा मार्केट का व्यू। बस 10 मिनट में हम तार शरीफ पहुंच जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं तारी शरीफ। ये सामने आपको मस्जिद दिख रही है, यह मस्जिद और साथ में यहाँ पे जो है यह श्राइन का व्यू। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को नंदरेश के नाम से भी जाना जाता था और उन्हें अलमदार कश्मीर के नाम से भी नवाजा गया। तो ये देखिए आप, अभी हम मस्जिद के पास ही खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर में, अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी 12 ही बज गए, तो पहले हम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बाकी मार्केट बाहर का और श्राइन का व्यू भी दिखाएंगे आपको, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो जो है स्किप ना करें। हम आपको मस्जिद के अंदर का व्यू दिखाएंगे क्योंकि बाद में फिर नमाज के टाइम तो है फ़ोन बाहर ही बंद रखेंगे हम, इस वजह से हम आपको पहले ही मस्जिद का व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे जो है जूते रखने की जगह है, यहाँ पे भी काफी जगह है, वजू खाना यहाँ से। ज़्यादातर पोर्शन जो मस्जिद का है वो बंद ही है, वो पता नहीं क्यों रखा हुआ है बंद, अभी उसका तो पूरा हम नहीं बता सकते, लेकिन मेजर पोर्शन इसमें मस्जिद का बंद है। कुछ पोर्शन जो है वो खुला हुआ है जहाँ पे इस टाइम नमाज अदा की जाती है। अभी हम आपको श्राइन का व्यू भी दिखाएंगे। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अला, जो कि एक जाने माने वली थे और जिन्हें अलमदार कश्मीर का खिताब भी दिया गया, उन्होंने इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा इबादत की
और उनके कलाम में हमेशा अमन और भाईचारे का पैगाम रहता था और आज भी जब आप तार शरीफ आते हो रास्ते पर आपको होर्डिंग्स पर उनके कलाम लिखे नजर आ जाते हैं। जब उनकी वफात हो गई 1438 में तो कहा जाता है कि 2 दिन के अंदर 900,000 लोग इस जगह जमा हो गए और उस टाइम के जो हुक्मरान थे जैनुल आबिदीन उन्होंने भी जनाजे में शिरकत की और उसके बाद कुछ साल में ही उन्होंने इस श्राइन की नींव रखी और आखिर में 1660 में ये श्राइन जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। ये आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो जो है नाशपाती जो है उन्हें सुखाया जाता है और फिर यहाँ पे ये बेचा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है चार शरीफ में यहाँ पे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं पियर, तो इस वजह से इनके पास काफ़ी स्टॉक होता है। फिर ये जो है सुखाते हैं कुछ और फिर यहाँ पे ये बेचते हैं। कमेंट करके ज़रूर बोलना कि कश्मीरी में इनको क्या कहते हैं। क्या खाने वाले हो दानी? नादर मोइन जी। नादर मोइन इसको बोलते हैं, नादर मोइन। ठीक, तो ये खाने वाले हैं, ये है रोबो मोइन। ठीक, तो ये भी देखेंगे मिक्स में। तो भाई जो है अचार के पहले से ही शौकीन थे, हैं ना? चोई दवे में सा सकते हो आप है कहां? फिर लोग कहते हैं कि ये सीधे पहले ही बोलता है मज़ेदार औसम, पहले खाओ फिर बोलो। अब बताओ औसम। ऑल आइटम क्या? मिट्टी के ऑल आइटम। इसका क्या रेट है? 120 और 100। इसका 120। 100 किसका है? वो है ना आगे पिंक कलर वाली। अच्छा ये वाली। इसका 100। तो कितने प्यारे प्यारे चीजें आप तो यहाँ पे बाहर मिलती हैं। तो आज का व्लॉग भी जो है दूसरे दिन एंड हो रहा है। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर इस वीडियो के बनाने के दौरान हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे नज़रअंदाज कर देना। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।